थोड़ा जगह रखो। हाँ एकदम मानते क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब जो चीज़ें हटकी हुई थी अब वो बाहर आएंगी, दोनों साइड की स्टोरी पता चलेगी, अभी एक ही साइड की सब एक ही जगह बोले जा रहे हैं। सो फाइनली वी विल गेट टू हियर द साइड ऑफ पर्ल। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट, बट आई होप जस्टिस मिले और जो भी एलिगेशंस लगाए हो वो हमारी इंडस्ट्री का इंसान है, तो मैं नहीं चाहती कि ये जो बातें हैं ये सच हो, मतलब चांसेस हो सकता है, बट मैं चाहती हूँ कि ना ये मिल रहा मैनू क्या आपने बात की है क्या मैम पलपुरी से? पलजी से? पलपुरी से अभी तो अभी तो आने तो वो अपने पहले शौक में होगा, उसको पहले निकलने तो वहाँ से बात चल जाएगी कि क्या होता है। थैंक यू सो मच। मैम पुलिस को कह रही है कि उनके पास एविडेंस है, सबूत है, इसीलिए बहुत लीगल मामला है। जो कह रहे हैं जिसके पास चीज़ें हैं, अगर इतने स्ट्रॉन्ग सबूत और ये सब होते तो शायद से बेल ही नहीं मिलती, जैसे पहले बेल नहीं मिल रही थी, मिल गया फाइनली आके मिल गई, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल होगा ही। सो आई कॉन्ट से, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि नहीं पर्ल सही ही है, लेट द लीगल पीपल डिसाइड इट, बट आई विश आई वॉन्ट दैट पर्ल सही। थैंक यू मैम। मैम इधर बोल रहे हैं ना, राम भाई जी कुत्ते भाई हो गया मैम। मैम यहाँ पर नहीं, बस बस चलो अभी 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 वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। आकाश को लाकर चले आ गए जी, तो शुरू करूं? हां शुरू करो। बोलो मैम, लेफ्ट में सेंट्रल हुआ जी। बोलो मैं भूल ही गया। अरे अब भूल गए तू, किंतु आकाश को देख के भूल गया, मुझे देख के भूल गया। बुलाया आधी एक्सरसाइज में। अगर तुम जो भी जानना चाहते हो मेरे आकाश के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वी आर गुड फ्रेंड्स डैड। ये मैं कह कह के थक रही हूँ, चार साल से बोल रही हूँ, चार साल से रिलेशन है, दोस्ती का। जिस दिन मेरा बॉयफ्रेंड होगा मैं बता दूंगा, ढिंढोरा पीटूंगी ढिंढोरा। भाई आजकल दोस्ती में सब कुछ बदल जाता है, तेरी ऐसी दोस्ती होंगी जो बदलता होगा, हमारी में तो नहीं बदला है। नहीं ऐसे ही हम लोग लिटरली चार साल से एक यही मेरा कांस्टेंट दोस्त है और आई विश यही हमेशा रहे, क्योंकि मुझे खिलावा कोई चाहिए नहीं। हमारे बहुत दोस्त आए बहुत गए, यही बचे हुए हैं दो लोग। हमें कभी कभी लगता है कि हम लोग इतने बुरे हैं कि हम लोगों को कोई दोस्त नहीं बचा है। बट नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई फ्रेंड, और इस दोस्ती को कोई नाम ना दिया जाए तो आप लोग के बहुत अच्छा होगा। तेरा भी चक्कर चल रहा है क्या सबके साथ? मैं ये पूछूंगी शैलेश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका आपके सारे दोस्तों के साथ चक्कर है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या 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 सुनना चाहती हूँ? क्या मैम दुआ कर रही थी, ये तो यूँ कायम रहे और ये तो बहुत जरूरी दुआ है, ये रहेगी ही है और बहुत कायम है, और इसको भी कोई नहीं छेड़ सकता। आप चार दिन इसका रह के दे पता चलेगा कितना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं रहता, आप लोग भी मिलते हैं, आप लोगों कितना चार मिनट के लिए बिल्कुल बिल्कुल है ना, आप लोग एंटरटेन तो पूरा करते हैं ना। कभी मैंने ऐसे आपने मेरी कोई अफवाह सुनी या कोई कॉन्ट्रोवर्सी में आई ना? चाय बहुत बढ़िया बना, एक मुझे चाय बहुत पसंद है, आधी दोस्ती का कारण। अगर मुझे जिंदगी में कोई नहीं मिला तो कर लूंगी मैं शादी, पर अभी मेरे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत उम्र है, मैंने बोला था दोस्ती में क्या आपने बोला शादी, पर इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको कहाँ भेजूं मैं? आपने बोला मैं गर्लफ्रेंड है
अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरा तो छोड़ी दो, मेरा तो कर यहाँ पर अरे यार तो मत करो यार तो लगता है कंट्रोवर्सी में तू ही मुझे लाएगा, कोई लाए ना लाए अगले साल दोबारा तो कितनी बेइज्जती करवाओगे मेरी। कोई बेइज्जती नहीं, बच्चे से बाहर आई नहीं आई, बच्चे से बाहर ही बिना बेइज्जती के। थैंक यू, ऐसी डिग्निटी। थैंक यू।